सबसे पहले आपको पता है कि आपने सपोज करो किसी भी पॉइंट पे खड़े होकर, मैंने उस पॉइंट को मान लिया, इस पॉइंट पे खड़े होकर आपने ये पार्टिकल पकड़ा है किसी रस्सी से, तो मैंने इस पार्टिकल को पी पॉइंट नाम दे दिया कि पी पॉइंट पे ये पार्टिकल है, ये आपकी वो रस्सी है जहां से आपने इसको पकड़ा है, तो आपने इस रस्सी को ऐसे ऐसे घुमाया बेटा, क्लियर। तो वो क्या कहता है कि आप ना एक काम करो कि आप यहां पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, इस ऑर्बिट को जो ये पाथ बना है इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल ऑर्बिट। तो अगर सेंट्रल ऑर्बिट पे कोई भी पॉइंट है तो आप क्या करो, ये डिस्टेंस निकाल लो इस पॉइंट की सेंट्रल ऑर्बिट से, सारी डिस्टेंस निकाल लो सभी पॉइंट्स की। तो ये कहता है कि जो वाली डिस्टेंस मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, सपोज करो ये 5 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, तो ऐसे केस में सपोज करो तो यहां पे जो मिनिमम हमारा क्या है डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 है। तो जिस पॉइंट से लेकर और पोल तक की, सेंटर जो पॉइंट है हमारा, वहां तक की जो डिस्टेंस मिनिमम आई है इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे मिनिमम डिस्टेंस आई है उसको बोलते हैं एप्स।